वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मे विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए यार। तो आज का वीडियो जो है वो 30 से रिलेटेड है और आज से मतलब अभी आधी तैयारी हो चुकी है, यानी कि वैक्सीन करवा लिया, पार्लर का सारा काम करवा लिया, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब जो है वो स्पेशल वन है वो है मेहंदी लगाना। तो मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक है। जब मैं हैदराबाद में रहती थी तो बहुत कम लोग तीज करते थे, लेकिन यहाँ तो मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है मेहंदी लगाने के ऊपर। मैं मार्केट देख करके आई हूँ, लेकिन जो है मैं मेहंदी कल लगाऊंगी इसलिए कि ताकि हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं जा कर के अपनी मेहंदी लगवाऊंगी। और फिर और भी तीज के लिए मैं बहुत कुछ तैयारी की हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। लेकिन अभी वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा। तो मैं नहा करके आ गई हूँ, घर का सारा काम हो गया है और सिंदूर वगैरह भी कर लिया, क्योंकि मेहंदी लगवानी जानी थी मुझे। लेकिन मौसम यहाँ का देखो, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब 30 से 1 दिन पहले अगर ऐसी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि जो व्रत रखते हैं उनको बहुत ही, क्योंकि निर्जला एक तो व्रत होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और ख़ास करके दिल्ली का मौसम जो है अभी बहुत अच्छा हो गया है, पहले बहुत मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज सुबह से इतनी गर्मी थी मुझे तो लगा कि व्रत रखना मतलब बहुत कठिन काम है अभी इतनी गर्मी में। लेकिन भगवान की दया है, देखिए बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही है। तो खाना वाना बन गया है, बस अब खा लेंगे। खाने के बाद फिर उसके बाद मेहंदी लगवाने देखते हैं, जब ये बारिश छूटेगी तो फिर उसके बाद मैं भाभी के साथ जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए। और फिर आज मेहंदी लगाएंगे और क्या क्या होता है, क्योंकि शाम तक का रूटीन जो है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। पहले ये मौसम का आनंद मैं भी ले लेती हूँ, आप भी लीजिए वीडियो के ज़रिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद दिल्ली में ऐसी बारिश हो रही है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। और मेरे नाक पर सिंदूर गिर गया। कहते हैं लोग कि अगर सिंदूर लगाते वक्त अगर आपकी नाक पे सिंदूर गिर जाता है तो फिर आपके पति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा अक्सर ऐसा ही होता रहता है। ये है, ये देखो, ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया जो है ये गवर्नमेंट का है। और इस पर आप एक बहुत ही अच्छी जो है वो सब लोग कह रहे थे कि ये पार्क बनने वाला है, तो इसलिए इसकी मतलब साफ़ सफाई भी करवाई जा रही है। पहले ये डंपिंग कुछ लोगों ने डंपिंग यार्ड बना रखा था यहाँ पर, लेकिन अब ठीक है, अब साफ़ सफाई हो रही है और यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। ये देखो, ये बारिश में भीग भीग के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मौसम देख के यार सच में आज दिल खुश हो गया। लेकिन तो ये मेरे हस्बैंड सो रहे थे इसलिए मैंने ज़्यादा तेज़ आवाज़ में वहाँ कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इनको ज़ुकाम फीवर यही सारी चीज़ें हुई है। तो मैं धीरे धीरे ही बोल रही थी ताकि ये जग ना जाए। और फिर बाहर का मौसम तो आप लोग देख ही रहे हो कि बारिश हो रही है, लेकिन बस अब इनको थोड़ी देर में उठाऊंगी और फिर हम लोग खाना भी खाएंगे। दोपहर का खाना नहीं खाए हैं, सिर्फ नाश्ता किए हैं और नहा वहा करके फिर दवाई खा करके वो लेट गए। मैंने दोपहर के खाने में जो है वो छोले और चावल बनाया है। मैं सोच रही थी कि खाना वगैरह बन गया है, बस थोड़ी देर और ये रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर मैं इनको उठाऊँगी और फिर हम लोग खाना खाएँगे। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, फिर से कड़कड़ाती धूप निकल आई है। मुझे तो लगा कि बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी और उमस सा हो गया है। अब देखते हैं शाम तक का क्या मौसम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी और इतना तेज़ धूप निकल आया है, जैसे क्या कहा जाए, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। लेकिन
ये मैं निकल गई हूँ भाभी के घर के लिए मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि बारिश तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जा कर के मेहंदी लगवा लेती हूँ फटाफट। तो मैं पहुँच गई भाभी के घर और भाभी ने एक हाथ में मेहंदी लगवा ली थी, भैया का नाम भी लिखवाया है, और ये दी मेहंदी लगा रही थी हम लोगों को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही बारीकी से ये मेहंदी लगा रही थी हम लोगों को। कितना सही मेहंदी लगा है इन्होंने लगाया है, और मेरा अभी स्टार्ट हुआ है मेहंदी लगाना। अभी जो कुंवारी कुंवारी लड़कियां हैं वो आसपास बैठ करके देख रही हैं, जैसे ये देख लो सीख रही है कुंवारी लड़कियां की, आगे हमें भी चल के यही सारे काम करने, और एक जो कैमरा के पीछे है वो भी यही सोच रही है। और नहीं, बोलो बोलो कुछ बातें ऑफ कैमरा भी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग पहले पूरा लगा लेते हैं और उसके बाद फिर और भी वीडियो डालूंगी मैं। पूरा पूरा लगी हुई है, मतलब काफी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि इनका बारीकी से इतना अच्छा डिजाइन बनाया है। ये देखो दोनों हाथ में, ये देखो भैया का नाम भी लिखा हुआ है। दिखाओ भाभी भैया का नाम। ये देखो, इसका चाउमीन भी फेमस है वैसे। वो बाद में बताऊंगी। तो अभी हम लोग मैं अपने घर आ गई हूँ और मेहंदी लग गई है मेरी। मैंने इसको छुड़ा भी लिया क्योंकि तो खाना बनाना था आज। मेरे हस्बैंड ने कहा था खाना बनाने, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो नहीं बनाया आपने, मुझे बताओ। मुझे जो काम हुआ है उसमें गिर जाता तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी लगा करके और जल्दी छुड़ा लूँ, देखती हूँ उसका कलर कितना आता है, क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर इसे छुड़ा लिया है। और अपने काम में फिर से लग गई हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, भिंडी का भुजिया और रोटी। अभी मैं सिर्फ भुजिया ही काटा है मैंने, मतलब भिंडी का भुजिया और रोटी मैं सोच रही हूँ, और दूध वगैरह हो जाएगा तो आज का खाना हो जाएगा। कल फिर हमारा तीज के लिए जो एक्साइटमेंट है ना अंदर, सच में बहुत अल्टीमेट वाला एक्साइटमेंट है। अब देखते हैं कि कल क्या क्या तैयारी करते हैं और क्या क्या नहीं, वो भी तैयारी देखेंगे, लेकिन पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करती हूँ मैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, और कल तक मेरी मेहंदी का क्या रंग आता है उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। प्यार करते हो आप? अरे मेहंदी आएगा तो नहीं, प्यार करते हो बता बता, बात पे भरोसा होता तो कुछ पूछती नहीं, पहले बता। तो मेहंदी के रंग पर भरोसा है ना? नहीं नहीं ना, आपने नाम ढूंढा, नाम ढूंढा आपने? नाम ढूंढने की जरूरत है, याद ही मैंने दिला है लिखने के लिए। कैसी बात करते हो, बताओ ना, प्यार करते हो पहले बताओ, पहले बताओ। तो देख लो तब भरोसा होगा तुम्हें। ठीक है, तो हम वेट करते हैं और फिर मेहंदी का रंग देखते हैं, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है, यानी कि जितना गहरा होता है कलर इसका, उतना ही या जो है उसके हस्बैंड उसको प्यार करते हैं, समझे आप? ठीक है, तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और सभी लोगों को बाय और हैप्पी तीज सभी मैरिड वुमेन को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपके मेहंदी का कलर कितना आया है, अगर आया है तो यानी कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं। तो गाइज बाय, लव यू ऑल, और सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें, बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आइकन बेल बटन जो है उसे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अभी तीज का भी, जो तीज के लिए मैं तैयार होंगी उसका भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। सभी लोगों को बाय बाय।